दोस्तों नमस्कार। 1989 में मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्कवर किया और इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की डिस्कवरी का नाम हुआ पोलोनियम। पोलैंड की वो थी और उन्हीं के बर्थ प्लेस के नाम पर ये मटेरियल का नाम भी पोलोनियम रखा गया। ये एक 5000 टाइम यूरेनियम से ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा घातक है। और अगर इसका एक छोटा सा फ्लेक यानी कि एक छोटा सा डैंड्रफ के बराबर का भी दाना अगर आपके शरीर के अंदर चला जाए इंजेक्शन के थ्रू या किसी घाव के थ्रू वहाँ पर डाल दिया जाए तो ये आपके शरीर के अंदर जाके सबसे पहले आपके रेड ब्लड सेल्स को कॉन्सेंट्रेट करके एक लंप बनाता है और लंप बनाने के बाद आपके सारे ऑर्गन्स के अंदर दौड़ना चालू करता है। और जैसे ही ये दौड़ता है ये एपोप्टोसिस करता है, जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है सेल डेथ। यानी कि रेड ब्लड सेल्स के ये लंप्स बनाकर जिन जिन ऑर्गन्स में, चाहे आपके लिवर में, किडनी में या आपके खूनी में, अगर ये दौड़े तो ये वहाँ पर उन सारे ऑर्गन्स के सेल्स को मार देता है। और ऐसा कहते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एक व्यक्ति के अगर पोलोनियम जरा सा भी चला जाए तो ये एक टर्मिनल कैंसर का कॉज बनता है और कई बार आदमी की 2 से 3 या 4 मैक्सिमम दिन के अंदर अंदर उसकी मौत भी हो जाती है। अब ये इतना घातक मटेरियल है, ज़ाहिर सी बात है कि ये दुकानों पे या केमिस्ट पे तो मिलेगा नहीं, लेकिन सरप्राइजिंग बात पता है क्या है दोस्तों, कि इसका प्रयोग विश्व की कई इंटेलिजेंस संस्थाएं करती आ रही हैं और कई कंट्रीज़ ने इसका प्रयोग अपने टारगेट्स को एलिमिनेट करने में, मारने में बहुत घातक तरीके से किया है। पर खैर हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, ये तो वीडियो खालिस्तान के ऊपर था, समझदार को इशारा काफ़ी है, मैसेज याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों बहुत सारे खालिस्तान के मूवमेंट को लेकर ट्रिगर्स हुए। इन ट्रिगर्स के कारण क्या हुआ कि भाई हमें खालिस्तान की मूवमेंट को एक अच्छे पूरे डिटेल्ड नज़रिए से देखने की रिक्वायरमेंट आई। सबसे पहले दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम है तलविंदर सिंह परमार। आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना होगा। 1985 में कनिष्का बॉम्बिंग जो हुई थी, ये आतंकवादी खालिस्तानी था जो कनिष्का बॉम्बिंग में इन्वॉल्व था। कनाडा में चंद महीने पहले एक रैली हुई और उस रैली में तलविंदर सिंह परमार को एक शहीद का दर्जा दिया गया और ये रैली खालिस्तानियों ने वहाँ पर की। इन खालिस्तानियों ने एक रैली निकाल कर पोस्टर चिपकाए, बकायदा नारे लगाए कि शहीद भाई तलविंदर सिंह परमार अमर रहे। एक आतंकवादी, एक खालिस्तानी जिसने हत्याएं की, उसके लिए ये चीज़ें हुई। पर ये मामला यहीं नहीं रुका दोस्तों, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी हुई। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि चंद महीने पहले आपने देखा होगा कि भारत का जो हाई कमीशन था लंदन में, उस हाई कमीशन के ऊपर भी अटैक हुआ। वहाँ पर भारत के झंडे का भी अपमान किया गया। इसके पीछे एक व्यक्ति था जो एक और खालिस्तानी, जिसके बारे में थोड़ी देर में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, अमर खालिस्तानी का सपोर्टर अवतार सिंह खंडा। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया का जो हाई कमीशन कनाडा में भी था, वहाँ पर एक ग्रेनेड भी फेंका गया। वेस्ट सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों स्वामी नारायण मंदिर के बाहर तोड़फोड़ की गई और मंदिर की दीवारों को डिफेस किया गया। हमारा जो कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में भी है, चंद महीने पहले वहाँ पर भी खालिस्तानियों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। ये वही अमेरिका है दोस्तों जिसने अभी 2-3 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री को बुला के डिफेंस डीलें साइन करवा कर प्रोडक्ट बेचे, और ये चंद महीने पहले अपने टेरिटरी में इस प्रकार की भारत के कॉन्सुलेट के बाहर खालिस्तानियों को बुलाकर जमावड़ा इकट्ठा करके रैलियां करवाता है। मैं आपको पहले ही ये बात बता चुका हूं कि किस प्रकार का नीच देश अमेरिका है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें जब हुई दोस्तों तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने डिसाइड किया कि भाई इस खालिस्तान के पूरे मसले का एक एंड गेम होना चाहिए। और इसके लिए रॉ ने सबसे पहले एक अपने भाई के साथ, जिनको हम अपना इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भाई भी मानते हैं, दोस्त मानते हैं, दोस्त से बढ़कर ही मानते हैं, इजराइल और उसकी संस्था मोसाद, उनको बुलाया, उन लोग के साथ एक चर्चा करी। मोसाद के साथ और रॉ के साथ जो ये कोलैबोरेशन हुआ, इस कोलैबोरेशन में 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई की गई। मोसाद ने ये बोला कि देखिए अगर आपको खालिस्तान का एंड गेम करना है तो सबसे पहले चीज़ को समझिए कि इसको जो एक्सटर्नल एलिमेंट सपोर्ट कर रहा है आपको वो न्यूट्रलाइज करना होगा। ISI एक एक्सटर्नल एलिमेंट था बहुत बड़ा, रॉ ने ये आइडेंटिफाई करके भी रखा था, तो रॉ ने इस चीज़ के ऊपर कार्य चालू करा। दोस्तों खालिस्तान की पूरी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए
ISI ऑफ पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा को ये काम सौंपा था। लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज़ सईद जो है कश्मीर में अपना इनिंग्स खेलने के बाद पंजाब में बहुत समय से व्यस्त है, खालिस्तान के टेररिज्म को बढ़ा के चढ़ाने में बहुत व्यस्त था। अगर आपने मेरा खालिस्तान का पिछला वीडियो देखा हो, जिसका लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है, अगर नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ ये बोली थी कि लश्कर तैयबा ने ISI के सपोर्ट से हाल ही में 1.5 साल पहले लश्कर खालसा नाम की एक संगठन बनाई थी, और लश्कर खालसा को चलाने वाला ISI का एक अधिकारी था, और उस अधिकारी का नाम था अमर खालिस्तानी। अमर खालिस्तानी जो है उसको सपोर्ट मिल रहा था लश्कर तैयबा के एसेट्स को, जिसने उठाकर इन सारे एसेट्स को लश्कर खालसा में डाला। और ये वही अमर खालिस्तानी है दोस्तों जो अमृतपाल सिंह को भी भारत में बैठ के पूरा गेम प्लान का सपोर्ट कर रहा था, और इसी ने उसको दुबई बुलाकर वहाँ पर रेडिकलाइज करके वापस पंजाब भेजा था। तो ISI ने ये जो हरकत करी, रॉ को ये मालूम था, तो रॉ ने सबसे पहले मोसाद को ये बात बताई कि देखिए ये अमर खालिस्तानी है, ये अमर खालिस्तानी जो है ISI का एक एसेट है जो लश्कर खालसा नाम के एक संगठन में बैठा है। तो मोसाद ने रॉ के साथ मिलकर, हमने अपने पाकिस्तान के अंदर जो एसेट्स थे उनको एक्टिवेट करके इस लश्कर खालसा को और गहरी तरीके से समझने की कोशिश करी। हमें ये मालूम चला कि भाई ये जो लश्कर खालसा है इसमें अमर खालिस्तानी जो है वो तो ISI का अधिकारी है, एक स्यूडोनिम लेके बैठा है वहाँ पर जो पूरा गेम चला रहा है। लेकिन हम इस बात को चौंक गए जब हमारे पाकिस्तान के एसेट्स ने एक बात हमें बताई और रॉ को ये इंटेलिजेंस मिली कि भाई यहाँ पर बशीर अहमद पीर नाम का एक व्यक्ति पाकिस्तान के अंदर, जो कि हमारे रॉ के रिकॉर्ड्स में पहले हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था, ये बंदा भी लश्कर खालसा से जुड़ा हुआ है। फिर हमें ये भी मालूम चला अपने एसेट्स के थ्रू दोस्तों कि एक व्यक्ति जिसका नाम था सैयद रजा खान, ये सैयद रजा खान जो है ये तो सैयद सलाहुद्दीन का एक बहुत खास आदमी था, ये भी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था और ये भी लश्कर खालसा का एक हिस्सा बना हुआ है। फिर हमें मालूम चला कि जहूर इब्राहिम मिस्त्री नामक ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति भी लश्कर खालसा से जुड़ा हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों ये आई कि इस पूरे गेम में सिर्फ ये अकेला नहीं, बल्कि एक सिख व्यक्ति जो एक्चुअल में अमर खालिस्तानी का राइट हैंड मैन था और जो एक्चुअल में बैठ के अमृतपाल जैसे आदमी को भी सपोर्ट कर रहा था और पूरा खालिस्तान का टेररिज्म का गेम भारत में चला रहा था, जो कि लश्कर खालसा का एक सेकंड नंबर का अधिकारी था, उसका नाम था हरविंदर सिंह रिंडा। जब हमने ये लिस्ट बनाई बशीर की, अमर खालिस्तानी की, साथ ही में जहूर इब्राहिम मिस्त्री की, हरविंदर सिंह रिंडा की, हमें ये चीज़ समझ आ गई इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए रॉ ने अपना कार्य चालू किया, मोसाद से जाहिर सी बात है मदद ली। आज की डेट में बशीर अहमद पीर नहीं बचा, आज की डेट में हरविंदर सिंह रिंडा ये पाकिस्तान के अंदर भी पिछले चंद महीनों में ही मारा गया, और साथ ही में सैयद रजा खान जो था वो भी पिछले चंद महीनों में मारा गया। इसके बाद जब हमने गेम को और समझा तो मोसाद की मदद से एक चीज़ और ये समझ आई कि हमने एक्सटर्नल लिंक को तो तोड़ा है, लेकिन मोसाद ने हमें एक सपोर्ट और देते हुए बोला कि भाई आपने अमृतपाल सिंह को भी तो पकड़ा था। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने जो पिछला वीडियो खालिस्तान पे बनाया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि आपने ना देखा हो तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको इससे चीज़ें और बेहतर समझ आएंगी। मैंने उस वीडियो में आपको ये चीज़ बोली थी कि अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है और इसको अब रॉ इंटेरोगेट करेगी। रॉ ने इंटेरोगेट किया पिछले 1 से 1.5 महीने में। इंटेरोगेशन से हमें 2 चीज़ें मालूम चली। उसके इंटेरोगेशन से ये मालूम चला कि अमृतपाल सिंह को और खालिस्तान की इस मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई व्यक्ति थे जो ISI के एसेट्स हैं, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में इधर उधर फैले हुए थे, और उनका ज्योग्राफिकल स्प्रेड अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक मलेशिया से लेके थाईलैंड से लेके इटली तक फैले हुए थे। मोसाद हमारे भाइयों के साथ हमने बात करी, उन्होंने कहा कि देखो यार ये जो एसेट्स बाहर फैले हुए हैं जो अमृतपाल ने आपको बताए, एक चीज़ करो, इन सारे के सारे एसेट्स को आप अरेस्ट करो, इनको स्नैचिंग ऑपरेशंस करके भारत लाओ। दोस्तों रॉ एक ऐसी संस्था है
जो बड़े गजब तरीके से स्नैचिंग ऑपरेशंस करती है दूसरी टेरिटरीज में। कभी दूसरा एक वीडियो बना के मैं आपको इस स्नैचिंग ऑपरेशन की मोडस ऑपरेंडी समझाऊंगा। पर हमने स्नैचिंग ऑपरेशंस चालू करे दोस्तों। हमने सबसे पहला जो आदमी उठाया उसका नाम था कुलविंदर सिंह खानपुरिया। कुलविंदर सिंह खानपुरिया थाईलैंड में बैठा हुआ वो आदमी था जो ISI का एसेट था, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन पिछले एक महीने में इंटरोगेशन के दौरान रॉ को अमृतपाल सिंह ने दी। हमने कुलविंदर सिंह खानपुरिया को पकड़ा, थाईलैंड से इसका स्नैचिंग ऑपरेशन करके इसको भारत लाए, टेबल पे बिठाया अमृतपाल के साथ, इंटरोगेशन चालू करी। दूसरा मालूम चला कि भाई हैप्पी संघेरिया नाम का एक व्यक्ति, ये भी एक सरदार हैप्पी संघेरिया, और ये बैठा था इटली में। इसको इटली से स्नैचिंग ऑपरेशन करके हम लोग उठा के लेके आए और भारत ला के इसकी इंटरोगेशन चालू करी। और तीसरा व्यक्ति था दोस्तों हरप्रीत सिंह हैप्पी, जो मलेशिया में था, इसको मलेशिया से पकड़ के लाए। तीन स्नैचिंग ऑपरेशन पिछले एक महीने में अमृतपाल सिंह के डिस्क्लोजर के बाद, इटली, थाईलैंड और मलेशिया से इन चारों लोगों को टेबल पर बिठाया विद अमृतपाल, और फिर हमने इन चारों लोगों को डीपली इंटरोगेट किया। हमारे IB के एसेट्स भी आए, अधिकारियों ने भी बैठ के बातचीत करी, NIA के लोग थे, और जाहिर सी बात है कि रॉ इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। जब इन लोगों की इंटरोगेशन हुई तो मालूम चला दोस्तों कि इन चारों लोगों को सिर्फ ISI, सिर्फ लश्कर एक खालसा सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि लश्कर एक खालसा ने इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए व्यक्ति डिप्यूट किए हुए थे। हमें इन चारों लोगों की इंटरोगेशन से मालूम चला कि परमजीत सिंह पंजवार नाम का एक व्यक्ति पाकिस्तान के अंदर बैठ के एक साइबर कैंपेन पंजाब में चला रहा था। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि अमृतपाल सिंह जो है वो साइबर मीडिया का स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा हाइब्रिड वॉर का टूल बन चुका है। अब हमें इंटरोगेशन के बाद मालूम चला दोस्तों कि परमजीत सिंह पंजवार ISI के पेरोल पे बैठा हुआ पाकिस्तान में ये बंदा अमृतपाल का कैंपेन अमर खालिस्तानी के बिहाफ पे चला रहा था। रॉ ने अपने एसेट्स पाकिस्तान में एक्टिवेट करे। इन एसेट्स को एक्टिवेट करने के बाद परमजीत सिंह पंजवार को ढूंढा गया। परमजीत सिंह पंजवार हमें मिल गया सनफ्लावर सोसाइटी लाहौर में रहते हुए। जब ये बंदा मिला सनफ्लावर सोसाइटी लाहौर में, रॉ ने अपना निर्णय लिया। ये बंदा एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था अभी हाल ही में 3-4 हफ्ते पहले, और वो मॉर्निंग वॉक इसकी इटर्नल मॉर्निंग वॉक हो गई। उसके बाद ये कभी घर नहीं पहुंचा, ऊपर वाले को प्यारा हो गया। साथ ही में दोस्तों फिर हमें मालूम चला कि दो व्यक्ति और हैं। परमजीत सिंह पंजवार तो पकड़ा गया, मालूम चल गया, ख़त्म हो गया, पर गेम यहाँ पर नहीं था सर, गेम इसके आगे भी था दोस्तों। अब हमें मालूम चला कि दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति जो इस पूरे गेम प्लान को ISI के चला रहा था पिछले चंद महीनों से, वो और कोई नहीं था बल्कि था अवतार सिंह खंडा। और अवतार सिंह खंडा दोस्तों ये ISI का वो मेंबर था जो बेसिकली UK में रह रहा था। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर एक फैक्शन है इंडिया में, अवतार सिंह खंडा उसका मेंबर भी था, और अवतार सिंह खंडा लाहौर में रह रहा था। फिर लाहौर से इसको यूनाइटेड किंगडम ले जाया गया, और उसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम में ही बस गया। अच्छा दोस्तों, सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि क्योंकि ये आदमी खुद एक ISI का एसेट था अवतार सिंह खंडा, ये एक डबल लाइफ जी रहा था। जनरली दोस्तों जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के एसेट्स होते हैं वो डबल लाइफ जीते हैं। अवतार सिंह खंडा UK में रह के एक TV चैनल चलाता था जिसका नाम था खालिस्तान TV, और ये खालिस्तान TV वहाँ पर UK में बैठा हुआ एक चैनल चल रहा है, UK की सरकार कुछ नहीं कर रही है, ब्रिटेन की सरकार, और वहाँ पर बैठ के वो लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था। अवतार सिंह खंडा जो एक डबल लाइफ जी रहा था दोस्तों, अब आपको उसके बारे में सुन के बड़ी सरप्राइजिंग बात ये लगेगी कि पब्लिकली उसका नाम अवतार सिंह खंडा था, लेकिन जब रॉ ने अपने एसेट्स को एक्टिवेट किया UK में तो हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मालूम चली, और वो ये थी कि अवतार सिंह खंडा उसका रियल नेम तो था ही नहीं, वो तो एक जो डबल लाइफ जी रहा था, वो ये थी कि उसका नाम एक्चुअल में था रणजोड़ सिंह, और उसको ISI अपने कम्युनिकेशन में जो नाम यूज़ करती थी वो थी आज़ाद, रणजोड़ सिंह उर्फ आज़ाद उर्फ अवतार सिंह खंडा।
ये बंदा यूनाइटेड किंगडम में रहता हुआ खालिस्तान टीवी के टीवी चैनल को चलाते हुए वहाँ पर स्पीचें दे रहा था। रॉ ने इसके बारे में जब और जानकारी गैदर करी तो मालूम चला कि अवतार सिंह खंडा का बाप 1990s में भी एक खालिस्तानी टेररिस्ट था जो मारा गया था भारत सरकार के ऑपरेशन में 1990 के दशक में, और इसकी माँ एक बहुत बड़े खालिस्तान लीडर जिसका नाम था गुरजन सिंह बुद्धि सिंह वाला, ये गुरजन सिंह बुद्धि सिंह वाला की एक बहुत क्लोज रिलेटिव थी। तो ये तो खालिस्तानी आदमी, इसके तो खून में ये सब भरा हुआ था गंदगी। चंद दिन पहले की बात है दोस्तों कि अवतार सिंह खंडा जो है उसको फूड पॉइजनिंग हुई और बर्मिंगम में यूनाइटेड किंगडम में सैंडवेल हॉस्पिटल में वो गया, फूड पॉइजनिंग का इलाज करा रहा था, दो दिन बाद उसकी मौत हो गई। और जो मेडिकल रिपोर्ट बन के आई हॉस्पिटल की तरफ से, उसमें ये लिखा गया कि अवतार सिंह खंडा को टर्मिनल कैंसर था और उसके कैंसर ब्लड कैंसर होने के कारण मौत हो गई। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था दोस्तों वो था हरदीप सिंह निज्जर। अगर हम हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जानें दोस्तों, हरसिंहपुर गांव का जलंधर के पास ये इलाका, हरदीप सिंह निज्जर यहाँ से उठ के कैनेडा गया, कैनेडा में सरी में ये रहता था, और जहाँ पर ये कैनेडा में सरी में रहता था ये बंदा 2012-13 में ISI के नज़र में आया। ISI वाले 2013 में इसको कनाडा से पाकिस्तान लाए, पाकिस्तान में लाकर खालिस्तानी एलिमेंट से मिलवाया, ISI इसको उसके बाद पाकिस्तान से अमेरिका लेके गई। 2016 में अमेरिका में इसको गुप्तवंत सिंह पन्नू जो एक संस्था चलाता है सिख फॉर जस्टिस, उससे मुलाकात करवाई। और गुप्तवंत सिंह पन्नू दोस्तों वही आदमी है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी पिछले एक वीडियो खालिस्तान के बताया है कि इसको सपोर्ट करती है CIA, और CIA ऑफ US आज की डेट में सिख फॉर जस्टिस नाम की इस संगठन को पूरा पेट्रोनेज देती है और इसके थ्रू सिख सबवर्जन इंडिया में करवाती है। तो निज्जर को मिलवाया गुप्तवंत सिंह पन्नू से। गुप्तवंत सिंह पन्नू से मुलाकात के बाद जब निज्जर निकला बाहर US से, तो उसको कनाडा ले जाया गया। कनाडा में ये बंदे ने दोस्तों जाकर अपना एक रेजिडेंस इस्टेब्लिश करा ISI की मदद से। मैं आपको एक एड्रेस डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, यदि कोई ये वीडियो कनाडा से देख रहा हो जाके इस एड्रेस को वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये हरदीप सिंह निज्जर का एड्रेस है, क्योंकि ये रॉ के एसेट्स ने जब आइडेंटिफाई किया हरदीप सिंह निज्जर के बारे में तो हमें मालूम चला कि ये आदमी मकान नंबर 8193 143A स्ट्रीट सरी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में रहता है। और इसी बंदे ने मकान नंबर 1418 142 स्ट्रीट 72 एवेन्यू ब्रिटिश कोलंबिया सरी कनाडा में अपना ऑफिस बना रखा है। ये वहाँ से बैठ के पूरा कैंपेन गुप्तवंत सिंह पन्नू के साथ चला रहा था। दोस्तों 2021 में ISI ने इसके सरी कनाडा वाले ऑफिस में बैठ के इसको गुरु नानक गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट भी बनवा दिया सरी में। ये बंदा अभी हाल ही में थोड़े टाइम पहले जो निज्जर है ये गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट होने के नाते गुरुद्वारे से जब ये बाहर निकला तो इसको गुरुद्वारे के पार्किंग लॉट में गोली मार दी गई और इसकी हत्या हो गई। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख पाए और समझे, अवतार सिंह खंडा, साथी में निज्जर, साथी में परमजीत सिंह पंजवार, ये जितने भी लोगों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, आपने एक बड़ी क्लियर कट चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि इनमें से कोई भी नहीं बचा। हमने ये जो पिछले चंद महीनों में एक्टिविटीज़ की, इससे दो मैसेज बड़े साफ हैं। पहला मैसेज ये है दोस्तों कि गुप्तवंत सिंह पन्नू को अब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भविष्य में उसके लिए आगे क्या है, इन लोगों का पास्ट देखते हुए और इन लोगों के साथ जो हुआ देखते हुए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हम ये चीज़ जानते हैं कि ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ये तीन ऐसे देश हैं जो कोई कसर भारत को तोड़ने में नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने इन चंद ऑपरेशंस के थ्रू एक मैसेज बहुत क्लियर कट दे दिया है इन तीनों देशों को कि ब्रिटेन, कनाडा और साथ ही में अमेरिका, कि अगर आप पाकिस्तान की मदद लेके
इंडिया में खालिस्तान की मूवमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे तो ये मत भूलिएगा, हम आपके घर में घुस के, आपके उस देश में घुस के उन एक एक एलिमेंट्स को चुन के मारेंगे, लेकिन हम भारत के ऊपर किसी प्रकार की आँच नहीं आने देंगे। ये मैसेज इन सारे देशों को बहुत क्लियर कट जा चुका है कि भारत किसी भी तरीके से कोई खालिस्तान की मूवमेंट का रिवाइवल होने नहीं देगा। और क्योंकि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग इन लोगों का एजेंडा चला रहे हो, तो ये याद रखिएगा, घर में घुस के एक एक उस एलिमेंट को ढूंढ के इस प्रकार से मारेंगे कि इनको तो छोड़ो, आपका एजेंडा भी हम चलने नहीं देंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो को जानने के बाद आपको ये पूरा खालिस्तान का जो इशू था इसकी क्लैरिटी मिल रही होगी कि इसका एंड गेम अब किस नज़रिए से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये तीसरा वीडियो था, तो मैंने पहला वीडियो जो खालिस्तान का बनाया, जो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, उसमें खालिस्तान की पूरी हिस्ट्री बताई। दूसरे वीडियो में मैंने अमृतपाल का बताया और आज के इस वीडियो में एंड गेम ऑफ खालिस्तान बताया। आने वाले समय में कोई अपडेट होगा, इस अपडेट को मैं आपके साथ दोबारा लाऊंगा। पर अब आपको जो चीज़ें हो रही हैं और जो ये खालिस्तानी एलिमेंट्स मर रहे हैं, इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।